फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. नॉट दैट एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन. सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स. अब ये इक्वेशन को एक्सप्लेन करा है और बोला है कि अगर एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल है इसका मतलब है कि प्रेशर होगा. अगर आप प्रेशर लगाते हो, मीन्स फोर्स लगाते हो, तो वो लार्जर होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों का रिलेशनशिप देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसका मतलब है एरिया एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा. अगर आप प्रेशर ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, एरिया स्मॉलर है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. पी इज इक्वल टू P is inversely proportional to 1 upon A. रख देते हैं, फोर्स को साइड में रखते हैं, फोर्स ऊपर आएगा या तो फोर्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं. ओके, तो दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? फोर्स फॉर एरिया का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है अगर एरिया कम है, ठीक है, एरिया स्मॉलर है तो प्रेशर ज्यादा होगा. इमेजिन कर सकते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर कोई स्मॉल थिंग है, ठीक है, आप उस पर प्रेशर लगाते हो तो वो ज्यादा लगेगा ना. उतना ही प्रेशर आप बड़ी वाली सरफेस है उसको लगाओगे तो प्रेशर कितना होगा उस पर? कितना लगेगा? जितना लगना चाहिए स्मॉलर सरफेस पर आपने लगाया तो प्रेशर है वो टोटली कन्वर्ट हो गया होगा फोर्स में. पर बड़ी वाली सरफेस है, कोई भी बड़ा वाला आप बॉल ले लो, या तो दो हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बॉल और बड़ा बॉल. ओके, तो एक बार आप प्रेशर लगाते हो, मान लो कि आप 22 पास्कल फोर्स प्रेशर लगाते हो. ओके, तो उतना प्रेशर आपने लगाया एक छोटे वाले बॉल है उस पर, और उतना ही प्रेशर आपने बड़े वाले बॉल है उस पर लगाया, तो ज्यादा किस पर लगेगा? स्मॉल एरिया है उस पर ज्यादा लगेगा. बॉल की कंपैरिजन ना करें तो कोई भी सरफेस ले लो, सरफेस स्मॉलर सरफेस है उस पर हम फोर्स लगाएंगे, उसकी कंपेयर में बड़ी वाली सरफेस होगी कोई भी, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उतना प्रेशर जितना स्मॉलर सरफेस को मिलता है उतना लार्जर सरफेस को नहीं मिलेगा. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. ये किसकी बात है? ये हमने लास्ट में डिस्कशन करा था, आपको याद होगा कि ऊपर वाला हेड वाला पार्ट है, अगर वहां आप वो आप ट्राई करोगे टेबल पर रखने, टेबल पर रखोगे और हैमरिंग करोगे तो क्या वो होल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. पर एंड वाला पार्ट है वो, उसका एरिया है वो स्मॉलर एरिया है, तो उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स दोगे तो वो आराम से टेबल पर होल्ड कर पाता है. ओके, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, दूसरा एग्जांपल लेने की जरूरत भी नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई सोल्जर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स? अब ये कोई बता सकता है? मैंने आपको बोला था लास्ट में कि आपको ये देखना है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आपको बोला है कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई सोल्जर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स एंड व्हाई दी टूल्स मींस फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस. कोई बता सकता है ये? आपको यहाँ पे एक गर्ल बोल रही है कि आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोटर्स प्लेस ऑन देयर हेड ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ. पोटर है वो अपने हेड पर क्यों एक राउंड पीस क्लॉथ का राउंड पीस बनाकर वो रखता है, वो अब मुझे पता चला. क्यों? क्योंकि जितना उस पर प्रेशर लगना चाहिए वो नहीं लगता. व्हेन दे हैव To carry heavy loads, वो जब heavy loads है वो carry करता है, by this they increase the area of contact of the load. वो क्या कर देता है?
ऊपर क्लोथ का राउंड जैसा शेप बनाकर वो ऊपर रखता है। आप ये फिगर देख सकते हो, ठीक है। ऊपर ये रेड वाला आप देख सकते हो कि उसने ये पहना हुआ है और वो क्यों पहना हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, इसका मतलब है जितना प्रेशर उसके हेड पर आएगा उतना नहीं आएगा, जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, ठीक है। बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस। जितना प्रेशर लगना चाहिए उससे कम लगेगा, रिड्यूस होगा, एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड, और वो इजीली कैरी कर सकता है जितना भी उसने लोड लिया है, मीन्स ऊपर जितना भी सामान रखा है वो इजीली कर सकता है। तो आप आसानी से ये देख सकते हो फिगर में, ठीक है। क्वार्टर है, उसने क्या करा है, ऊपर क्लोथ का राउंड शेप बनाकर ऊपर रख दिया है अपने हेड पर, और उस पर उसने अपना सामान रखा है। डू लिक्विड एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड और गैस है क्या उस पर भी प्रेशर की कोई इफेक्ट हो सकती है? Does it also depends on the area on which the force acts? क्या उस पर भी ये area वाला concept हमने जो पढ़ा है, ठीक है, force वाला concept है, वो क्या उस पर भी लग सकता है कि नहीं? Experiment करा है आपने कभी? Okay, अब students आ रहे हैं, 25 students हैं, और एक का miss call हो गया है। आपका कोई फ्रेंड नहीं है ना? किसने मुझे ओके किसने मुझे बोला है कि भाई ऐड करो? आप में से किसी ने बोला है कि मैडम मुझे ऐड करो? नहीं बोला है ना? मैंने सबको ले लिया है, अभी जितने आए थे उसको कॉल करके बोलते हैं वो आ जाए। तब तक आप ये लिक्विड वाला थोड़ा सोचो, डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, हेलो हाँ कौन कौन बोल रहा है? बोलो, कॉल करते हैं तो बोलते भी नहीं है सामने, क्या करे इसका, सामने से कॉल करते हैं। डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, क्या वो भी एरिया पर डिपेंड्स करता है? जब उस पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या है, फॉर एरिया पर डिपेंड्स करेगा, तो हम वो देखते हैं। चलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, ये फिर से आवाज आने लगी, क्या करें इसका? टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप, आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है और या तो आपको लेनी है एक प्लास्टिक पाइप। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ट्यूब का डायमीटर कितना होना चाहिए? 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थीन शीट्स ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर, गुड क्वालिटी रबर वाला एक थीन शीट ले लेना, से अ रबर बलून, उसको बोल देना कि यह रबर बलून है, ठीक है। से अ रबर बलून स्ट्रेचेस द रबर शीट Tightly over one end of the pipe. एक साइड से आपको क्या करना है, वो रबर शीट है उसको tightly वहां से पैक कर देना है, over one end of the pipe, वहां पर आपको स्ट्रेच देना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल keeping it in a vertical position. Ask one of your friend to pour some water in the pipe. के एक फ्रेंड है उसको बोलना है कि भाई एक एंड खुला है वहां से आप पानी डालो। Does the rubber sheet bulge out? क्या रबर शीट है वो, क्या वो रबर शीट है उसमें से पानी निकले, पानी जाएगा अंदर? Not also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. ज्यादा वाटर आपको ऐड करना है, पहले आपने ऐड करा है, ये देख सकते हो कि पाइप की एक एंड पर क्या रखा है उसने, रबर शीट मींस बलून जैसा रखा है। दूसरी साइड से आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को बोलना है कि पानी डाले, पानी वो डालेगा तो सफिशिएंट अमाउंट, मान लो आपने 50 ml पानी डाला है तो 50 ml पानी आपने मान लो यहाँ तक डाल दिया, ओके यहाँ तक हो गया कि 50 ml आपने डाला,
और आप ज्यादा डालोगे तो यहाँ तक पहुंच गया, इसका मतलब है उसका इसका एरिया भी बढ़ गया। तो एरिया का रिलेशनशिप है कि नहीं फोर्स के साथ, है कि नहीं? फोर्स तो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है भाई? पानी अंदर जा रहा है तो पानी का, पानी भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, पानी का भी कुछ फोर्स रहा होगा ना, क्योंकि वही फोर्स लगाता है ना। वो क्यों फोर्स लगाता है? क्योंकि वो रबर शीट, ये रबर शीट आपने ली है उसके अंदर जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक थोड़ी ना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक दूसरे को वो फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पाइप को हमने इस तरह से रखी है अर्थ पर, आप जहां पे भी हो उसको ग्रेविटी लगती है, इसलिए वो नहीं नीचे जाता है और एक दूसरे को फोर्स लगाकर वो नीचे जाएगा। ऑब्जर्व अगेन दी बल्क इन दी रबर शीट्स एंड दी हाइट ऑफ दी वाटर कॉलम इन दी पाइप। अगेन आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप पानी डालते हो तब आपको फिर से ऑब्जर्व करना है कि क्या इसके एरिया में कोई चेंजेस आता है। पहले इतना एरिया था और बाद में इतना हो गया, देखो तो क्या चेंजेस आया है कि नहीं इसमें, पता चल रहा है आपको? ओके, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? अब या आप देख सकते हो इसमें, देखो यहाँ पर आप पानी का लेवल देख सकते हो, यहाँ तक है, और आपने ज्यादा पानी डाला। मान लो कि यहाँ पर आपने 50 ml वाटर डाला था पहले। ओके, मेरा कैमरा वीडियो अपना ऑडियो है वो ऑफ कर दो, ऑडियो अपना ऑफ कर देना। और बाद में आपने 100 ml पानी डाला है, तो 100 ml पानी डाला तो ये वाली हाइट भी पानी की बढ़ गई और ये एरिया भी बढ़ गया, तो ये दोनों की कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है लिक्विड पर तो प्रेशर की इफेक्ट होती है, फोर्स की इफेक्ट होती है, और एरिया भी उस पर डिपेंड रहता है कि नहीं? यस और नो, कोई आपको पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पता चला कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस यस, ये समझ में आ गई है हमारी एक्टिविटी, कि आप ज्यादा पानी डालते हो तो रबर शीट है, पीछे रबर शीट ले ही है, उसका एरिया बढ़ जाता है। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। एक्टिविटी 11.9 में आपको बताया है, टेक ए प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक बोतल लेना है। यू कैन टेक ए डिस्कार्डेड वाटर और ए सॉफ्ट ड्रिंक बोतल। फिक्स ए सिलेंडर ग्लास ट्यूब ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर। ये फिगर में देखो 11.5। बेटा ऑडियो ऑफ कर दो अपना, किसका ऑन है? ऑडियो ऑफ कर दो, बीच बीच में बोलो मत, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछू तब आपको बोलना है। यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग ऑन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। आपको क्या करना है, वन एंड है, लास्ट वाला एंड है किसका, बॉटल का, उसको आपको स्लाइटली हीट करना है, देन आपको इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? Inserting, heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. अब ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक insert करा है, क्या करा है, एक rubber bulb है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम rubber bulb. Rubber जैसा होता है, थोड़ा material उसका heavy होता है, means balloon जैसा नहीं, पर आप balloon अभी रख सकते हो कि balloon, चलो balloon ले लिया, क्योंकि आपने ये type का material देखा नहीं है तो सोचो कि वहां पर balloon होगा। Make sure that, पहले तो मेक श्योर दैट द वॉटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। अब आपको देखना है कि वॉटर आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ जॉइंट लगाया है, ऊपर फिगर में देख रहे हो कि जॉइंट लगाया है, वहां से लीकेज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर लीकेज होगा तो आपको यस मेक श्योर दैट दी वॉटर डज नॉट लीक फ्रॉम दी ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स हमने जहाँ पर ज्वाइंट करा है लास्ट में बलून वाला पार्ट, वहां पर लीक नहीं होना चाहिए। इफ देयर एनी लीकेज सील इट विथ मोल्टेन वैक्स। अगर लीकेज है तो वहां पर आपको क्या करना है, मोल्टेन वैक्स से सील करना है। एक्टिविटी 11.8 कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ ए थिन रबर शीट।
एज यू डीड इन एक्टिविटी 11.8, जैसे आपने 11.8 में देखा सेम आपने आपको कहा रखना है वो बल्ब है, बल्ब मीन्स रबर का जो बल्ब है उसको आपको ज्वाइंट करा है, एक ट्यूब ज्वाइंट करी है वहां पर आपको फिक्स कर देना है। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर, देन आपको क्या करना है पानी डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व आप करते हो वो आपको बोलना है या तो लिखना है। व्हाई डज द रबर रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ब दिस टाइम, पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, इज देयर एनी चेंज इन द बल्ब ऑफ द रबर शीट। अब इसका आंसर मुझे दो कि आपने पहले मान लो 50 ml वाटर डाला है, ठीक है, पहले आपने 50 ml वाटर डाला है तो ये बलून का शेप जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें पानी जाएगा कि नहीं, ठीक है, वहां पर वो फिट है। और मान लो आप 100 ml ऐड कर रहे हो तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये बलून है उसका एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, आइडिया जितना भी जिसके पास है वो बोल सकता है अभी। आपका क्वेश्चन ये है कि ये बोतल में आप पानी ज्यादा डालते हो तो क्या कोई चेंजेस आएगा, ये बल्ब है उसका एरिया है वो बढ़ जाएगा कि नहीं कि इतना ही रहेगा। मान लो आपने पहले 50 ml वाटर डाला तो एरिया इतना था, ओके एरिया इतना था, और आपने 100 ml वाटर डाला तो उसका एरिया क्या इंक्रीज होगा कि नहीं, ये वाला शेप है वो थोड़ा इंक्रीज होगा कि नहीं ये पूछा गया था। यस मैम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्यों क्यों बढ़ेगा मैम, क्योंकि पानी का प्रेशर, पानी की प्रेशर की वजह से सारा पानी वो बलून के अंदर थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, इसलिए बलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यस पानी ज्यादा डालते हैं तो इसका मतलब जो एक्टिविटी हमने 11.8 देखी है सेम यही है, जस्ट आपने क्या करा है फिक्स कर दिया है। अगर कोई लीकेज है तो आपने क्या करा है वहां पर मेल्टेड मोल्टेड वैक्स आता है वो, उससे आपने वो लीकेज भी आपने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये पैक है, ठीक है। पानी ज्यादा डालते हो तो उसका एरिया है वो बढ़ सकता है, बस इतना ही आंसर है। 11.10 वाली एक्टिविटी है, इसमें क्या करा है, टेक एन एम्प्टी बोटल, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोटल और ए सिलेंडर कंटेनर, यू कैन टेक ए यूज्ड, आप ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, आप फ्री हो तो ये एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि स्कूल में आते हो तो ये करवाएंगे, पर अगर स्कूल में नहीं है ठीक है तो घर पे हो तो ये घर पे भी काफी सारी बोटल्स है जो हम वेस्ट में जाने देते हैं, तो एक बोटल लेकर आप कर सकते हो, ओके। हेलो हाँ बेटा आइए, ठीक है 25 स्टूडेंट्स थे और 20 हो गए, 19 हो गए, प्रेजेंट ले लो, कोई ले ली किसी ने प्रेजेंट ले लेना बेटा, कौन लेता है हर बार। ठीक है प्रेजेंट लेकर मुझे भेज देना, 19 स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, मॉनिटर तो कोई रखा नहीं है, ठीक है मैंने बोला था कि मैं नाम दूंगी वन बाय वन, कोई एक प्रेजेंट लेना, कौन ले रहा है अभी, कैमरा ऑन रखना सबका, कैमरा ऑन रखो मुझे पता चले, बाद में स्कूल में मिलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये तो मेरा स्टूडेंट है कि नहीं, ठीक है। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन रखो, ओके प्रेजेंट मिल गई है आई थिंक, फोटो मुझे भेज दिया है मैम, मैंने भेज दी, मैंने भेज दी, ओके क्या नाम है बेटा, सहज, सहज ओके बेटा थैंक यू, चलो सहज ने भेज दी है अब कोई ना लेना। ड्रिल फोर होल्स ऑल दी ऑल अराउंड नियर दी बॉटम्स ऑफ दी बॉटल्स, आपको फोर होल बनाने हैं किसमें, बॉटल्स के बॉटम पर, मेक श्योर दैट दी वॉल्स आर एट
the same height from the bottom. और आपको इतना ध्यान रखना है कि नीचे से उसका एरिया मीन्स जितनी लेंथ है उस पर उतनी लेंथ पर दूसरा आपने होल करा है, दोनों की लेंथ सेम रहनी चाहिए, मीन्स चारों होल करा है तो आपको उसका जो उसकी जो लेंथ है तो बॉटम से लेकर होल है वहां तक की लेंथ सेम रहनी चाहिए. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. अब उसमें वाटर फिल करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा. बॉटल की बॉटम में आपने होल कर दी है, अब आप पानी फिल कर रहे हो, ठीक है, पानी उसमें भर रहे हो तो क्या होगा, उसमें पानी निकल जाएगा ना, यस और नो. डज द वॉटर कमिंग आउट ऑफ दी वॉल फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है. अब ये फिगर देख सकते हो कि चारों होल है वो एक ही डिस्टेंस पर है बॉटम से लेकर जहां पर होल करा है एक ही डिस्टेंस पर है, ठीक है, और पानी भरेंगे तो एक ही प्रेशर से, जितना प्रेशर एक होल में से पानी निकल रहा है जितना वो वहां पर प्रेशर है उतना ही प्रेशर दूसरे होल पर होगा, उतना ही तीसरा होल है वहां पर होगा. ओके, can you now say that the liquid exert pressures on the walls of the containers. ab aap bol sakte ho ki kya liquid ki wajah se ye wall ko pressure mil raha hai. do gases also exert pressure, kya gas hai uski wajah se bhi pressure produce hota hai ki nahi. do they also exert pressures on the wall of their container, क्या उसकी वजह से गैसियस मटेरियल गैसियस मॉलिक्यूल है उसकी वजह से उसकी कंटेनर की जो वॉल है उस पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, वो प्रेशर जनरेट करता है उसकी वजह से मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर लगता है कंटेनर की वॉल पर. क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो, यस और नो. आपने लिक्विड में देख लिया, ठीक है, लिक्विड में आपने देख लिया तो क्या गैसियस मटेरियल में भी ऐसा होगा. गैसियस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे पर प्रेशर जनरेट करते होंगे कि नहीं, यस और नो. आपको क्वेश्चन पूछा है मैंने. यस यस मैम. ओके चलो तो देखते हैं. आई थिंक गैस का भी आपको बताया है. आई हैव सीन fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipe supplying water. Is it not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipes? When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? अब ये आपने बलून रखा है उसको निकाल दोगे, ओके, उसको उसका माउथ है वो ओपन कर दोगे तो क्या होगा. सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स, जिसमें होल्स करा हुआ है, ठीक है, बलून्स में जिसमें होल्स है, व्हाट डू यू एबल टू इन्फ्लेट इट, उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे. ये तो सबको पता है, कॉमन एक्टिविटी है, ठीक है, अगर बलून में होल है, ठीक है, और उसमें आप एयर पास करोगे या तो लिक्विड पास करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा. If not, why can we say that air exert pressures in all directions? अब आपको ये होल है, इसमें आपको बोला है कि ये वाला बलून है उसमें आपको एयर इन्फ्लेट इट मीन्स एयर उसमें से पास करनी है, मीन्स उसको आप थोड़ी सी फूंक लगाते हो तो बलून है उसमें जहां पर होल होगा वहां से ये सारी एयर निकल जाएगी. Do you recall what happens to the air in the bicycle's tubes when it has a puncture? ये आपने आपको याद है कि जब बाइसिकल्स का टायर है ट्यूब है उसमें से उसका पंक्चर होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब क्या होगा, उसमें गैसियस मटेरियल है वो निकल जाता है, ठीक है, पर क्या होगा, वो गैसियस मटेरियल है जहां पर होल हुआ है, ठीक है, उस पर बाजू में से वो उस पर अंदर गैसियस मटेरियल हो गए जितनी हवा भरी है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगी. Do this observation suggest that the air exert pressures on the inner walls of the inflated balloon or a tube? क्या इस पर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि गैसियस मटेरियल है उसकी वजह से प्रेशर्स है वो लगता है कोई भी कंटेनर की वॉल है उस पर या तो ट्यूब है
तो ट्यूब है उसकी वॉल पर ये पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स या गैसियस के, तो उसकी वजह से प्रेशर उस पर लगता है कि नहीं. सो वी फाइंड दैट गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. या तो ये पंक्चर वाला हमने देखा और बलून वाला भी देखा. तो उन दोनों में से हमें इतना पता चलता है कि गैसियस मटेरियल है वो भी क्या कर सकता है, वो भी जिस कंटेनर में फिल करा है, जिस ट्यूब में वो है मॉलिक्यूल्स गैस के, वो भी वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, उसकी भी इफेक्ट रहती है वॉल पर जिसमें भी उसको फिल करा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बलून की बात करी तो बलून में भी आपने क्या करा, प्रेशर है वो इन्फ्लेट करा, मींस आपने अंदर एयर है वो फिल करी. ठीक है, पर क्या हुआ कि वहां पर वॉल था तो वो निकल गई. तो इसका मतलब है कि उसकी दीवार है उस पर भी प्रेशर लगा होगा. ठीक है, और पंक्चर की बात करी हमने कि पंक्चर पड़ा है तो उसमें भी क्या होगा, बट मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करके बाहर निकल जाएंगे. एटमोस्फियरिक प्रेशर क्या है? यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमोस्फियर. ये एयर वाला एनवेलप है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर. द एटमोस्फियरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब ये एयर कितना डिस्टेंस पर है, मीन्स कितनी डिस्टेंस पर रहती है, तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स उसका डिस्टेंस है. आपने एटमोस्फियर वर्ड तो सुना है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर इज नोन एज एटमोस्फियर प्रेशर. और एयर की वजह से जो प्रेशर है एटमोस्फियर पर, तो उसको हम एटमोस्फियर प्रेशर बोलते हैं. एयर पर जो प्रेशर है उसको हम एटमोस्फियर प्रेशर बोलते हैं. वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इतना तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, उसकी फॉर्मूला है. ठीक है, इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट्स फिल्ड विथ एयर. अब हम ये नीचे वाली फिगर देखो, नीचे वाली फिगर है उसमें आपको बोला है कि नीचे वाला है वो यूनिट एरिया है. ठीक है, और एक लॉन्ग सिलेंडर लिया है. इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, उसको एयर से फिल करा हुआ है, देन The weight of the air in this cylinder. अब air हमने fill कर दी है, बाद में हमें क्या करना है, उसका weight करना है. Then the weight of the air in this cylinder is the atmosphere pressure. But how large or small is the atmosphere pressure? Let us get an idea about its magnitude. But ये कितना small है या तो कितना large है atmospheric pressure, कितना small है और कितना लार्ज है वो हमें कब पता चलेगा, तो थोड़ा उसके बारे में देखना पड़ेगा. पहले तो ये बात करी कि सिलेंडर ले लो और सिलेंडर का जो लास्ट एंड है उसको बोल दो यूनिट एरिया और उसमें एयर फिल करो, उसका वेट करना है. ठीक है, उतना बोला है. एटमोस्फेरिक प्रेशर है क्या, देखते हैं वन बाय वन. 11.11 में आपको बताया टेक ए गुड क्वालिटी रबर शकर. गुड क्वालिटी वाला रबर शकर ले लो. इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप. ये आप देख रहे हो, ठीक है, स्मॉल रबर कप जैसा आपको देखने को मिलता है. ये आपने गेम्स या तो आपके छोटे छोटे आपने ये आई थिंक देखा होगा शक्कर वाला, ये देखा है कि नहीं. आप ग्राउंड फ्लोर पर ये लगाते हो और ये चिपक जाता है. ठीक है, प्रेश इट हार्ड. इसको क्या करना है, प्रेश करना है अपने हाथ से ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस. प्लेनर सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उस पर आपको क्या करना है, उसको प्रेशर से उसको रखना है. ठीक है, प्रेश करना है ऊपर से. डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये चिपक जाता है सरफेस से. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. अब ट्राई करो उसको, जो सरफेस पर चिपक गया है ये वाला मटेरियल, ठीक है, ये शक्कर है, ये चिपक गया है. अब ट्राई करो उसको निकालने की, उसको उखाड़ने की ट्राई करो. क्या ये आप कर सकते हो, क्या ये आप कर सकते हो? ये अच्छी क्वालिटी वाला है, इसमें से एयर पास नहीं हो सकती. ठीक है, इसका आंसर कोई दे सकता है मुझे? ये चिपक गया है. ठीक है, आप उसको उखाड़ने की ट्राई कर रहे हो, क्या वो निकलेगा कि नहीं?
चिपका हुआ है। निकलेगा मैम। मैम बहुत फोर्स करना पड़ेगा। यस हमें बहुत क्या करना पड़ेगा भाई, कूल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब वो जाके वो निकलेगा। प्रेशर हमें ज्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू, ये क्वालिटी वाला मटेरियल है इसलिए इसको हमें ज्यादा प्रेशर देकर निकालना होगा, मीन्स ज्यादा खींचना पड़ेगा कंपेयर टू बैड क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी जिसकी अच्छी नहीं है, रबर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शक्कर वाली क्वालिटी, ठीक है, तो वो इतना नहीं चिपकता जितना ये चिपकता है, तो इसको हमें ज्यादा हमारा हमारी बॉडी में जो प्रेशर है हम लगाते हैं, पुल करते हैं, तो ज्यादा हमें वो करना पड़ता है। When you press the shaker, most of the air between its cups and the surface escape out. अब क्या बोला है कि जब आप ये प्रेस करते हो, शक्कर को प्रेस करते हो, तब almost उसकी बीच वाली एयर है, ठीक है, कप के बीच में एयर रह जाती है एंड द सरफेस एस्केप, सरफेस है ऊपर उसकी साइड में जितनी भी मीन्स ये राउंड वाली सरफेस है वो चिपक जाती है, सरफेस जो ग्राउंड वाली सरफेस है, ठीक है, प्लेनर सरफेस उससे ये चिपक जाती है। दी शक्कर स्टिक दी सरफेस, शक्कर है वो स्टिक हो जाता है बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट टू पुल दी शक्कर्स ऑफ दी सरफेस, दी अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज, फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो लार्ज हमें ज्यादा देना पड़ता है, इनफ टू ओवरकम दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला बाहर क्या है भाई, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उससे भी ज्यादा प्रेशर इसके अंदर जो मटेरियल रह गया है, जितने मटेरियल जितने मॉलिक्यूल्स है उस पर ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगता होगा, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके ज्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ता है तब जाके ये सरफेस से वो निकलती है। तो ये आइडिया आपको थोड़ा मिलता है यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शकर्स ऑफ द सरफेस इफ देर वेर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शकर्स एंड द सरफेस। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज है तो आपको आइडिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, आइडिया है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट करा है, नहीं करा है, नो तो इसमें एक्टिविटी दी है, ठीक है, और हमारे पास 2 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट है तो ये एक्टिविटी आपको देखनी है तो देख लेते हैं वरना नेक्स्ट टाइम लेंगे। आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया तो ये लास्ट में एक पैराग्राफ ही ले लेते हैं, ठीक है, चैप्टर तो खत्म हो गया। द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द एरिया 10 × 10 cm, ये कॉलम एक ली है, कॉलम मीन्स एक सिलेंडर लिया है जिसका एरिया है 10 cm, 10 × 10 cm, इसका मतलब क्या है, उसकी लंबाई भी 10 cm होगी, उसकी हाइट भी 10 cm होगी, पर ये हमें ज्यादा लंबा दिखता है। इज ए लार्ज एट 1000 kg, इतना लार्ज है कि उसमें हम 1000 kg उसमें भर सके। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेयर प्रेशर एंड कैंसल द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड। अब ये क्या बोल रहा है, किसी को पता चलता है, इसमें कोई एक कॉलम है जिसका एरिया है 10 × 10 cm, ठीक है, और वो एरिया कैसा है, 10 kg वाला, 1000 kg वाला एरिया है, ठीक है, द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे आपको बोला है द एरिया ऑफ माई हेड वेर 10 × 10 cm, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, माई हेड मेरा जो सिर है उसका एरिया इतना है 10 × 10 cm, ठीक है। अब टाइम लास्ट 1 मिनट बचा है, आई थिंक ना हम ये कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये हम फिर से लेंगे, ठीक है, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज करके मुझे भेज देना संडे तक,
ठीक है, दो तीन स्टूडेंट ने मुझे भेजी है, बाकी आप लोग जितने भी स्टूडेंट मुझे भेजते हैं उसका नाम मैं आपको बताऊंगी कि ये वाले स्टूडेंट से वो मुझे भेजते हैं, ठीक है। तो संडे तक ये एक्सरसाइज करके मुझे भेज देना, सुन रहे हो सब? ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है, वो हम कंप्लीट करवाएंगे बाद में, नेक्स्ट 12th वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, जय स्वामीनारायण।